Indian weight loss diet plan for women in Hindi. Indian weight loss diet plan for girls. Hey friends, welcome to Diet Burp, where we talk about food, and yes, food that helps you in losing weight. मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ. फ्रेंड्स, क्या आपने भी नोटिस किया है कि आपके भाई या हस्बैंड या फादर या फिर मेल फ्रेंड्स जब वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो उनका वेट फटाफट से कम होने लगता है, जबकि हम लेडीज यानी महिलाओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. हम कड़ी से कड़ी डाइट फॉलो करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर भी उतना इजी एंड फास्ट वेट लॉस नहीं कर पाते. कभी हमारे हार्मोन्स बीच में आ जाते हैं, कभी मेटाबॉलिज्म और कभी हमारी बॉडी कंपोजिशन. अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स से लड़ रही हैं और वेट लॉस करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है. और अगर आप एक मेल व्यूअर हैं, अगला वीडियो हम स्पेशली वेट लॉस इन मेन के लिए बनाएंगे. तो फ्रेंड्स, जब वेट लॉस की हम बात करते हैं तो हमेशा सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज इन दो फैक्टर्स पर ही ध्यान देते हैं, बट फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, स्लीपिंग पैटर्न्स, एज, ईटिंग टाइम एंड मेडिकल कंडीशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं. ये सारी चीजें आपके वेट लॉस पे डायरेक्ट असर करती हैं. आइए पहले देखते हैं कुछ जरूरी टिप्स जो आपके वेट लॉस के एफर्ट्स को और ज्यादा फ्रूटफुल बनाएंगी. वेट लॉस टिप्स फॉर विमेन, स्टार्ट स्मॉल. हम में से कई ऐसी विमेन हैं जो अपने घर के कामों में, फैमिली या फिर अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी हैं कि हम खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते. घर का काम, बच्चों का काम, फैमिली में बड़ों का काम करने के बाद खुद के लिए कुछ समय ही बचता ही नहीं है. बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करने लगे. तो इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर वन, आप 45 मिनट्स का पूरा टाइम अगर ना भी दे पाए तो 10 टू 15 मिनट्स वॉक करके शुरुआत करिए. सेकेंडली, आपको जब टाइम मिले, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो या फिर रात ही क्यों ना हो, 10 मिनट्स के 3 सेशन में वॉकिंग या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग को अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करिए. इससे आपके एब्डोमेन, हिप और थाई एरिया में जो अक्यूमुलेटेड फैट है वो बर्न होगा एंड धीरे धीरे आप शेप में आने लगेंगी. आपका स्टेमिना और मनोबल दोनों ही बढ़ने लगेगा. सेकेंड टिप है, बी रियलिस्टिक. देखिए, रातों रात ना कभी किसी का वजन कम हुआ है और ना कभी होगा. इट्स बेस्ट कि आप कोई भी क्रैश डाइट के झांसे में ना आए. सेकेंडली, ओवरनाइट 10 केजीज या 15 केजीज लूज करने का गोल ना करके एक हेल्दी 3 केजी वेट लॉस इन 1 मंथ अचीव करने का गोल रखिए, ताकि ये जैसे जैसे पूरा होने लगे आप कॉन्फिडेंट और हेल्दी महसूस करने लगे एंड दोबारा से वजन बढ़ जाने का डर भी आपके मन में ना रहे. थर्ड टिप है, ईट स्मार्ट. सिर्फ अपने लिए अलग से खाना बनाना अगर किसी भी कारण से पॉसिबल ना हो तो जो आपके घर में बन रहा है उसी में क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन करके आप अपनी कैलोरीज कंट्रोल कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आप अपनी फैमिली के लिए पाव भाजी बना रही हैं तो भाजी बनाते वक्त उसमें आलू की क्वांटिटी कम रखिए, बाकी सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, बटर के बिना अपना एक बोल जितना पोर्शन निकाल लीजिए और पाव की जगह इस भाजी को आप एक मल्टीग्रेन रोटी के साथ में कंज्यूम करिए. इससे आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी एंड आपके वेट लॉस के एफर्ट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस तरह अगर आप डेली 3 रोटी लेती हैं तो 2 रोटी ले लीजिए, सैलेड ज्यादा ले लीजिए और सब्जी ज्यादा ले लीजिए. अगर इसी तरह कुछ और हैंडी टिप्स आप हमसे चाहती हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम इसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकें. इनके अलावा कुछ छोटी छोटी टिप्स और भी हैं जो कि बड़ा मैजिक करेंगी आपकी हेल्थ पर. जैसे कि नंबर 1, पानी ज्यादा पीजिए, ग्रीन टी और बटर मिल्क भी इंक्लूड करिए. इससे वेट लॉस भी होगा, स्किन भी सुधरेगी एंड आप यंग एंड फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करेंगी. सेकेंड टिप है कि 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप बेहद जरूरी है. टाइमली सो जाइए एंड टाइमली उठ जाइए. इससे आप दिन भर बहुत एनर्जेटिक रहेंगी और हर चीज को करने में आपका मन लगेगा. अगली टिप है कि दोपहर को खाने के तुरंत बाद सोना अच्छा नहीं होता, इसलिए आप कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए और उसके बाद अपनी पावर नैप लीजिए. अगर सोने का टाइम आप आगे पीछे नहीं कर सकती तो अपना खाना आप जल्दी खा लीजिए. अगली टिप है कि छोटे प्लेट्स यूज करिए. इससे आपको मेंटली ये फीलिंग होगी कि आप अच्छी क्वांटिटी में खाना खा रही हैं. नेक्स्ट टिप इज टू टेक द स्टेयर्स. विश्वास मानिए, सीढ़ियां क्लाइंब करने से आपके बॉडी शेप में और वेट में अनबिलीवेबल चेंजेस आप देख सकती हैं. तो अगर आप अपार्टमेंट में रहती हैं तो एक ही फ्लोर को 5 से 6 बार ऊपर नीचे क्लाइंब करिए.
अगर आप बंगलों में रहती हैं और आपके पास एक फ्लोर जितनी सीढ़ियां हैं तो उन्हें आप 4 to 5 times क्लाइंब करिए, और ऐसा आपको दिन में 2 या 3 बार करना है और इसके मैजिकल इफेक्ट्स होते हुए आप देख सकेंगी। चलिए अब ऐसा ही एक सिंपल बट बहुत इफेक्टिव इंडियन वेट लॉस डाइट प्लान फॉर वुमेन और गर्ल्स इन हिंदी मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर लीजिए ताकि जब चाहे इस डाइट प्लान को आप देख सकें। ये डाइट प्लान आपको अराउंड 1300 to 1400 कैलोरीज देगा एंड इसे फॉलो करने से आप 1 month में अराउंड 3 to 4 kg वेट लॉस जितना कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में आप लीजिए 1 glass वार्म लेमन वाटर। इसमें आप 1/4 टीस्पून हल्दी या दालचीनी का पाउडर भी डाल सकती हैं। स्पेशली अगर आपके मेंसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, टाइमिंग आगे पीछे होती रहती है, तो आपको दालचीनी जरूर कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें दिन भर भूख लगती है या फिर क्रेविंग्स होती हैं या मीठा खाने का मन करता है, तो इस हेल्थ ड्रिंक के साथ आप 1 banana जरूर लीजिए। ऐसा हफ्ते भर करने से आपको अपनी क्रेविंग्स में और मीठा खाने की जो इच्छा होती है उसमें फर्क नजर आने लगेगा। इसके बाद ब्रेकफास्ट में आप ले सकती हैं 1 roti प्लस 1 cup curd प्लस सब्जी, या फिर आप लीजिए 1 bowl वेजिटेबल दलिया, या फिर आप लीजिए 3 to 4 pieces ऑफ बेसन या रवा का ढोकला, या फिर आप ले सकती हैं 2 small मूंग दाल का डोसा या फिर चिल्ला, और साथ में लीजिए चटनी। ब्रेकफास्ट के बाद आपको घर में ही 10 मिनट की वॉक करनी है, या अगर सीढ़ियां हैं तो 5 floors अप एंड डाउन आपको करना है। इससे आपको अमेजिंग इंच लॉस देखने को मिलेगा। मिड मॉर्निंग में अगर आपके पास समय है तो आप 1 cup ग्रीन टी एंड साथ में 1 fruit ले सकती हैं। लंच में आपको लेना है 1 plate सैलेड, साथ में आप 2 या 1 फुल्का या 1 cup राइस, और साथ में ढेर सारी सब्जी, और साथ में 1 कटोरी दाल या कढ़ी या फिर कर्ड या कोई भी लेंटिल जैसे कि चना, छोला, राजमा या लोबिया ले सकती हैं। ये तो हो गया डेली का खाना। अगर आपके पास समय है और आप अपने लिए अलग से कुक कर सकती हैं या करवा सकती हैं, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस ले सकते हैं। नंबर 1, 1 bowl वेजिटेबल दलिया। इसमें आप गाजर, मटर, फूल गोभी, प्याज, टमाटर और लौकी का इस्तेमाल करके बनाइए। साथ में आप लीजिए 1 bowl कढ़ी या फिर 1 bowl कर्ड। अगला ऑप्शन है 1 bowl वेजिटेबल मूंग दाल की खिचड़ी, साथ में आपको लेना है कढ़ी या फिर कर्ड। या फिर थर्ड ऑप्शन है 1 bowl ब्राउन राइस, और साथ में आप ले सकती हैं राजमा या छोला या फिर चिकन या फिश की करी। याद रखिए ऑयल मिनिमम से मिनिमम यूज करना है। लंच के बाद फिर आपको घर में ही 10 से 15 मिनट तक टहलना है, या फिर अगर सीढ़ियां हैं तो 5 times ऊपर नीचे करना है। लंच के 1 घंटे के बाद आप चाहें तो थोड़ी पावर नैप ले सकती हैं। उठने पर इवनिंग में आप अपनी चाय या कॉफी ले सकती हैं। इसमें अदरक या इलायची या दालचीनी का पाउडर का इस्तेमाल करिए। इससे आपके हार्मोन्स भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। साथ में लीजिए 1 bowl मुरी यानी कि पफ्ड राइस। कभी रोस्टेड मखाना भी ले सकती हैं या फिर रोस्टेड बंगाल ग्राम दाल भी ले सकती हैं। डिनर आपको जितना जल्दी ले सकती हैं उतना जल्दी लेना है। आप लीजिए 1 cup वेजिटेबल सूप या फिर बोन ब्रॉथ या फिर वेजिटेबल की सैलेड। साथ में आपको लेना है 2 छोटी बाजरा या ज्वार या रागी या फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी। मल्टीग्रेन आटे के बहुत सारे ऑप्शंस हमने अपने इस वीडियो में जो कि रोटी वर्सेस राइस इस वीडियो में हमने मेंशन किए हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। साथ में आपको लेना है 2 cup सब्जी या फिर दाल या कढ़ी। अगर आप कुछ लाइट खाना चाहती हैं और अलग से अपने लिए कुक कर सकती हैं, तो आपको लेना है 2 small मूंग दाल का या फिर बेसन का चिल्ला। इसमें आप गाजर या पालक का इस्तेमाल जरूर करिए, या फिर आप ले सकती हैं 1 bowl दलिया या फिर ओट्स का उपमा। इसमें आप वेजिटेबल्स जरूर से यूज करिए, या फिर आप ले सकती हैं 2 अंडों का बना ऑमलेट विद वेजिटेबल्स। डिनर के बाद भी आपको 15 मिनट्स की वॉकिंग जरूर करनी है। बेड टाइम पर यानी कि सोने से जस्ट पहले आप 1 glass मिल्क विद हल्दी एंड सिनेमन पाउडर ले सकती हैं। साथ में आपको लेने हैं 5 to 6 भिगोए हुए बादाम, या एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए अगर आप गेन कर रही हैं तो दूध की जगह आप 1 glass हल्का गर्म पानी इसमें नींबू और हल्दी ले सकती हैं। इस डाइट प्लान का प्रिंट आउट लेने के लिए
और इस इंफॉर्मेशन को इंग्लिश में पढ़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिंक मेंशन कर दिया है। हमसे अपना पर्सनल डाइट प्लान भी आप बनवा सकती हैं, जिसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा care@dietburrp.com पे, या फिर हमारी वेबसाइट www.dietburrp.com पर विजिट करिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए जिन्हें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अपने सवाल आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।